उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलेगा ताकि जब भी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स हमारी ई बुक्स हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए साथ ही साथ ये वाली क्लास और इसके ऐसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए अब ये सारी चीजें कैसे होंगी उसके लिए क्या करना होगा व्हाट्सएप करना होगा आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो तो चलिए शुरू करें आज की क्लास सबसे पहले समझ लीजिए गेट का इस्तेमाल क्या होता है मतलब मतलब क्या होता है फिर हम लोग इस्तेमाल इसका देखेंगे क्लियर तो चलिए पहले गेट का हम लोग मतलब देख लेते हैं गेट का मतलब होता है पाना प्राप्त करना या होना क्लियर गेट का मतलब क्या होता है पाना प्राप्त करना या होना और कई बार सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसका मतलब जो है सेंटेंस के अकॉर्डिंगली फिट कर दिया जाता है ठीक है या फिर कोई चीज जो करता यानी कि सब्जेक्ट से किसी तरह जुड़ जाता हो वहां पे भी गेट का इस्तेमाल आराम से होता है क्लियर है तो चलिए शुरू करें आज की क्लास विथ लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे गेट सीरियस गंभीर हो जाओ गेट सीरियस गंभीर हो जाओ गेट सीरियस डोंट गेट एंग्री गुस्सा मत करो डोंट गेट एंग्री गुस्सा मत करो डोंट गेट एंग्री विल ही गेट वेल क्या वह ठीक हो जाएगा विल ही गेट वेल क्या वह ठीक हो जाएगा विल ही गेट वेल आई डिड नॉट गेट द जोक मुझे जोक समझ में नहीं आया आई डिड नॉट गेट द जोक मुझे जोक समझ नहीं आया जोक मतलब मजाक या कोई चुटकुला मारे तो वो जब आपको समझ में नहीं आया क्या बोलेंगे मुझे समझ में नहीं आया यानी कि आई डिड नॉट गेट द जोक मुझे जोक समझ नहीं आया गेट वेल सून जल्दी ठीक हो जाओ गेट वेल सून जल्दी ठीक हो जाओ गेट वेल सून लेट्स गेट स्टार्टेड चलिए शुरू करते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड चलिए शुरू करते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड वेयर कैन आई गेट माई टिकट मुझे अपना टिकट कहा मिल सकता है वेयर कैन आई गेट माई टिकट मुझे अपना टिकट कहाँ मिल सकता है वेयर कैन आई गेट माई टिकट मुझे अपना टिकट कहां मिल सकता है वेयर कैन आई गेट माई टिकट कुड यू गेट मी tea? क्या आप मुझे कुछ चाय दे सकते हैं कुड यू गेट मी tea? क्या आप मुझे कुछ चाय दे सकते हैं कुड यू गेट मी tea? या आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि क्या आप मुझे थोड़ी चाय दे सकते हैं? Could you get me some tea? I don't गेट वॉट यू मीन मुझे आपका मतलब नहीं समझ आया आई डोंट गेट वॉट यू मीन मुझे आपका मतलब नहीं समझ आया आई डोंट गेट वॉट यू मीन गेट द थिंग थिंग्स फ्रॉम दैट शॉप उस दुकान से सामान ले आओ गेट द थिंग्स फ्रॉम दैट शॉप शॉप का मतलब दुकान गेट द थिंग्स फ्रॉम दैट शॉप उस दुकान से सामान ले आओ गेट द थिंग्स फ्रॉम दैट शॉप क्लियर है चलिए बढ़ते हैं आगे हाउ डिड यू गेट टू नो आपको कैसे पता चला हाउ डिड यू गेट टू नो आपको कैसे पता चला हाउ डिड यू गेट टू नो हाउ can आई गेट टू द स्टेशन मैं स्टेशन पर कैसे पहुंच सकता हूं? या मैं स्टेशन पर कैसे पहुंच सकता हूं? या मैं कैसे स्टेशन पहुंच सकता हूं? ये दोनों ही जगहों पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं हाउ can आई गेट टू द स्टेशन मैं स्टेशन पर कैसे पहुंच सकता हूं? अगर आपको स्टेशन की जगह पे एयरपोर्ट जाना हो तो हाउ कैन आई गेट टू द एयरपोर्ट मैं एयरपोर्ट कैसे पहुंच सकता हूँ अगर बस स्टैंड जाना हो तो हाउ कैन आई गेट टू द बस स्टैंड मैं बस स्टैंड कैसे पहुंच सकता हूँ या फिर हाउ कैन आई गेट टू दिस एड्रेस अगर आपको किसी से एड्रेस पूछना है रोड पे कभी भी आप मान लीजिए कहीं जा रहे हो आपको एड्रेस नहीं पता हो तो आप पूछ हैं ना कि भैया ये वाला कहाँ पड़ेगा तो उसको कैसे बोलेंगे हाउ कैन आई गेट टू दिस एड्रेस मैं इस पते पर कैसे पहुंच सकता हूँ हाउ कैन आई गेट टू दिस एड्रेस मैं पते पर कैसे पहुंच सकता हूँ हाउ कैन आई गेट टू द स्टेशन मैं स्टेशन कैसे पहुंच सकता हूं क्लियर है चलिए बढ़ते हैं आगे सून यू विल गेट जल्द ही आपको मिल जाएगा जब भी आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको मैसेज आता है ना सुन योर ऑर्डर विल बी डिलीवर्ड या फिर सोन यू यू विल गेट यानी कि जल्द ही आपको मिल जाएगा सोन यू विल गेट जल्द ही आपको मिल जाएगा सून यू विल गेट हाउ can आई गेट इन टच विथ हिम मैं उनके साथ कैसे संपर्क कर सकता हूँ अब देखिए गेट इन टच जो है वो काफी ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है इसका मतलब होता है किसी से सीधे तौर पे संपर्क साधना किसी से सीधे तौर पे संपर्क पे, संपर्क में आना ठीक है हाउ कैन आई गेट इन टच विद देम मैं उनके साथ कैसे संपर्क कर सकता हूँ हाउ कैन आई गेट इन टच विद देम मैं उनके साथ कैसे संपर्क कर सकता हूँ हाउ कैन आई गेट इन टच विथ हिम मैं उसके साथ कैसे संपर्क कर सकता हूँ? हाउ केन आई गेट इन टच विथ हर मैं उसके साथ कैसे संपर्क कर सकता हूँ? या फिर आप यहाँ पे कोई भी नाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कैसे हाउ केन आई गेट इन टच विथ श्याम मैं शाम से कैसे संपर्क कर सकता हूँ? हाउ केन आई गेट इन टच विथ सैम मैं सैम के साथ कैसे संपर्क कर सकता हूँ? क्लियर है तो गेट इन टच का इस्तेमाल करके आप बहुत सारे सेंटेंसेस का उपयोग को कर सकते हैं बहुत सारे सेंटेंसेस में क्लियर है चलिए बढ़ते हैं आगे हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गेट देयर वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गेट देयर वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गेट देयर यू कैन गेट अ कार लाइसेंस आप कार का लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं यू कैन गेट अ कार लाइसेंस आप कार का लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं यू कैन गेट अ कार लाइसेंस आप कार का लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं डू यू वॉन्ट टू गेट सम स्नैक्स क्या आप कुछ स्नैक्स लेना चाहते हैं डू यू वॉन्ट टू गेट सम स्नैक्स क्या आप कुछ स्नैक्स लेना चाहते हैं डू यू वॉन्ट टू गेट सम स्नैक्स स्नैक्स का मतलब क्या होता है वही चाय पानी नाश्ता इस तरीके से क्या आप कुछ चाय पानी नाश्ता करेंगे क्या आप कुछ स्नैक्स लेना चाहते हैं डू यू वॉन्ट टू गेट सम स्नैक्स आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन्वॉल्व मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता इन्वॉल्व का मतलब शामिल होना आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन्वॉल्व मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन्वॉल्व क्लियर है चलिए बढ़ते हैं आगे यू विल गेट इन ट्रबल आप मुश्किल में पड़ जाएंगे यू विल गेट इन टू ट्रबल आप मुश्किल में पड़ जाएंगे यू विल गेट इन टू ट्रबल आप मुश्किल में पड़ जाएंगे यू विल गेट इन टू ट्रबल क्लियर है चलिए बढ़ते हैं आगे ही वॉन्ट्स टू गेट अ वह बाल कटवाना चाहता है ही वॉन्ट्स टू गेट अ हेयर कट वह बाल कटवाना चाहता है ही वॉन्ट्स टू गेट अ हेयर कट अब ही वॉन्ट्स टू गेट अ हेयर कट है यहाँ पे मतलब यहाँ पे मेल मेंबर की बात हो रही है किसी पुरुष के बारे में या किसी आदमी के बारे में आप बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे अगर मैं कर दूँ शी वॉन्ट्स टू गेट अ हेयर कट वह बाल कटवाना चाहती है अनुवाद तो सेम रह जाएगा अनुवाद वो बाल कटवाना चाहती है हो जाएगा है ना क्यों क्योंकि यहाँ पे शी है और शी जो है हमेशा फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है क्लियर है चलिए बढ़ते हैं आगे डिड दे गेट टू नो क्या उन्हें पता चल गया डिड दे गेट टू नो क्या उन्हें पता चल गया डिड दे गेट टू नो दे एडवाइज हिम टू गेट एक्सरसाइज डेली उन्होंने उसे प्रतिदिन व्यायाम करने की सलाह दी दे एडवाइज हिम टू गेट एक्सरसाइज एवरी डे उन्होंने उसे प्रतिदिन व्यायाम व्यायाम करने की सलाह दी दे एडवाइज हिम टू गेट एक्सरसाइज एवरी डे आई मैनेज टू गेट टू द स्टेशन ऑन टाइम मैं समय पर स्टेशन पहुंचने में कामयाब रहा आई मैनेज टू गेट टू द स्टेशन ऑन टाइम मैं समय पर स्टेशन पहुंचने में कामयाब रहा आई मैनेज टू गेट टू द स्टेशन ऑन टाइम ही प्लैंड टू गेट अ जॉब उसने नौकरी पाने की योजना बनाई या प्लान बनाया ही प्लान टू गेट अ जॉब उसने नौकरी पाने की योजना बनाई या प्लान बनाया ही प्लान टू गेट अ जॉब क्लियर है

कर दीजिए इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारी स्पीक इंग्लिश इन सिक्स पॉइंट फाइव आवर्स यानी कि साढ़े छः घंटे में अंग्रेजी बोले कि फ्री वीडियो कोर्स नहीं देखी है स्पोकन वाली तो जल्दी से व्हाट्सएप करिए और मंगवा लीजिए अपनी स्पोकन इंग्लिश की फ्री कोर्स अपने मोबाइल पर और इसी के साथ इसी कोर्स पे बेस्ड ई बुक की फ्री सैंपल भी आपको मिल सकती है आपको करना क्या है आपको बस लिख के भेजना है कि मुझे साढ़े छह घंटे वाली कोर्स और मुझे सैंपल ई बुक चाहिए उसी कोर्स की सैंपल ई बुक चाहिए तो आप हमारी टीम द्वारा आपको ये भेज दिया जाएगा क्लियर है चलिए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं कि क्या आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं इंक्वायरी करते वक्त क्या करना होगा आपको किस चीज़ की इंक्वायरी करनी होगी इंक्वायरी आपको करनी होगी कि अगली बैच कब शुरू हो रही है कैसे पढ़ाई होगी कितने दिनों का कोर्स होगा नोट्स कैसे मिलेंगे होमवर्क कैसे मिलेगा होमवर्क कैसे चेक होगा ये सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर भेज दी जाएंगी ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स यानी कि ग्रामर का बेसिक यानी कि ग्रामर की नींव ग्रामर की नींव मजबूत होना बहुत जरूरी है आप जब भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो या ऐसे भी ग्रामर की नींव मजबूत होना जरूरी है ताकि आगे इंग्लिश ग्रामर में तो दिक्कत आपको ना आए तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं तो जल्दी इंक्वायरी कीजिए और देखिए बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स की, की कोर्स कब से शुरू हो रही है अगली बैच इसकी यह है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल तो होता नहीं लेकिन अब ये आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स यानी कि इसमें छोटे बच्चों को खेल खेल में ग्रामर सिखा दिया जाता है एक्सपर्ट्स द्वारा डिजाइन कोर्स है बच्चे खेलते रहते हैं सीखते रहते हैं उन्हें समझ में भी आ जाता है कि भाई क्या पढ़ रहे हैं तो so इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं और ये है फेवरेट मोस्ट इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल यानी कि इसमें आपको मिलता है कॉम्बो कॉम्बो का मतलब क्या होता है मतलब दो चीजें यानी कि ग्रामर भी और राइटिंग भी अब ये तो भाई सबसे बड़ा सरदर्द होता है बच्चों का लेकिन अब नहीं क्योंकि ये है कॉम्बो कोर्स, ये राइटिंग राइटिंग मतलब ऐसे राइटिंग डिबेट राइटिंग स्पीच राइटिंग रिपोर्ट राइटिंग एडवर्टीजमेंट राइटिंग एंड वॉट नॉट जो भी आपकी सिलेबस में आती होंगी ये सारी इसमें आपको डील कराई सारी आपको सिखाई जाएंगी अलग अलग टॉपिक्स पर ताकि जब भी एग्जाम में आए आप इसमें फुल में फुल स्कोर कर पाए जी हाँ राइटिंग में और ग्रामर में फुल स्कोर करना भी संभव है बस देर किस बात की है है जल्दी से इंक्वायरी करिए कि अगली बैच कब शुरू हो रही है। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट है जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चाहे वो बैंक हो एस हो पी हो सी हो क्लैट हो एमबीए एग्जाम हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है तो प्रीमियम कॉम्पिटेटिव इंग्लिश कोर्स बिल्कुल आपके लिए है नाम से ही प्रीमियम है मतलब समझ में आ रहा है चीजें प्रीमियम होने वाली हैं आपकी आरसी सिलेबस की जो आर है वो वो है वो बेसिक ग्रामर एडवांस ग्रामर बेसिक क्वेश्चन एडवांस ये सारी इसमें डील की जाती हैं इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है तो अगर आपने मैसेज किया है तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा इसके लिए निश्चिंत रहिए मैसेज कर दिया है बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए हमारे प्रतिनिधि आप तक खुद ही संपर्क साध लेंगे यानी कि आपको रिप्लाई जरूर जरूर मिलेगा क्लियर है सो यस गाइस दैट्स इट फॉर टुडे थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बी विद बी बैंकर एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टेट टू बी बैंकर